हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। इसका जो बेसिक कंसेप्ट था ना स्टूडेंट, एलजेब्रा ऑफ द सेट, वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेट ऑब्टेंड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन, वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। यू क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट, और ए है वो क्या है? सबसेट ऑफ यू। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का ही मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो गिवन सेट में ना हो, मींस जो गिवन सेट ए में ना हो। तो इनका ये किसके इक्वल आएगा? ये फाई के। फाई इज द एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि टू क्वांटिटी प्रूव करनी है आपस में, तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और इसको इसका सबसेट। और वी नो दैट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? सबसेट होता है एवरी सेट का। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइ इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश किसका सबसेट? फाइ का। तो यहाँ से लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से एक्स बिलोंग टू ए, एंड अगर x A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं? x किस में बिलोंग नहीं करता? गिवन सेट में। x डज नॉट बिलोंग टू A। तो देखो यहाँ पे तो हम कह रहे हैं x बिलोंग टू A, यहाँ कह रहे हैं x डज नॉट बिलोंग टू A। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? वो जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है? एम्प्टी सेट में। तो यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग टू फाइव, इसमें लेके चले थे और इसमें दिखा दिया। सो A इंटरसेक्शन A डैश इज द सबसेट ऑफ फाइव। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट फाई किसके इक्वल आ गया? ए इंटरसेक्शन ए डैश की। यही हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट में प्रूफ। पहले तो ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा ये सेट, फिर हम टू क्वांटिटी को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? कोई भी सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों मिला के क्या बनता है? हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हम इसको यूनिवर्सल सेट के इक्वल प्रूव करेंगे, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से सबसेट दिखाना होगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को यू का, एंड यू को ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट दिखा देंगे। यहाँ से लेट, हमें पता है यू तो किसका सबसेट होगा? इसी का। तो यहाँ से x इसका सबसेट लेके चल पड़ेंगे a यूनियन a डैश का। तो x बिलोंग कर गया a में और x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। x किस में कर गया? यहाँ से a में, और x किस में बिलोंग कर गया? a कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यूनियन के नाम का क्या आता है? और आता है। वैसे भी स्टूडेंट हमें पता है ना कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट u के इक्वल होता है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे सेट इंक्लूड होते हैं। तो इजीली हम इसको डायरेक्ट भी लिख देंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है ना वो प्रूव कर देंगे। क्या लिख देंगे कि ये किसका सबसेट हो जाएगा? सिंस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यू में लेके चल पड़ेंगे और इसमें दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग टू यू, अगर कोई भी एक्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो किस में बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग टू ए। ए क्या है? इसका सबसेट है। एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट करेगा ना, वो ए में भी बिलोंग करेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी। यहाँ से एक्स बिलोंग टू यू है, तो हमने इनको कंबाइन करके लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया? यू में लेके चले थे ना और हमने इसमें दिखा दिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ यू। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? यू के। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू, यूनिवर्सल सेट के। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होगा? किसी भी एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? एम्प्टी सेट होगा।
देखो यहाँ पे हमने ये x बिलोंग टू u था, तो हमने क्या लिखा, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट. क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो a है ना, x यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, और यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, एक ए सेट के भी होते हैं और उसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है उसके भी एलिमेंट उसके अंदर होती है, और हमें ये इसका सबसेट दिखाना है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, फिर और के नाम का यूनियन लिख दिया, फिर ये इसका सबसेट बन गया. नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका. इसमें है a इंटरसेक्शन phi, और वी नो दैट ये किसके इक्वल होगा, एम्प्टी सेट की. तो यहाँ से एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट लिख देंगे यहाँ पे, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हो गया स्टूडेंट. फिर हम फाई को इसका सबसेट, सॉरी ए इंटरसेक्शन फाई को इसका सबसेट दिखा देंगे. लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन फाई, अगर कोई भी एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन है यहाँ पे तो एंड आ जाएगा. एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू फाई, ठीक है ना स्टूडेंट. अब हमें ये क्या करना है, जो ए इंटरसेक्शन फाई है वो किसका सबसेट दिखाना है, फाई में. तो ये कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, एम्प्टी सेट में. तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट, एक्स किसका सबसेट चाहिए, ये फाई का, ये इसका फाई का सबसेट चाहिए. तो हम यहाँ से लिख देंगे एक्स बिलोंग टू फाई, एम्प्टी सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन फाई किसका सबसेट आ गया, फाई का, ये सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ से हम वो लिख देंगे जो हमें जिसका सबसेट दिखाना है. तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आ गया, फाई की. ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. ये हमारे थ्री पार्ट्स हो गए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के. नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ पार्ट, यू इंटरसेक्शन फाइव. फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, सेम एज इट इज है स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट की. कैसे, जैसे ये किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट का और फाई एम्प्टी सेट का हम इंटरसेक्शन ले, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, फाई आएगा. तो यू इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आएगा, फाई के. इजिली प्रूव कर सकते हैं, वी नो दैट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये फर्स्ट इक्वेशन. अब हम इसका लेके चलेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू यू इंटरसेक्शन फाई. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट, एंड x बिलोंग कर रहा है किसमें, फाई में. हमें ये इसका सबसेट दिखाना है, तो यहाँ से यूनिवर्सल में भी कर रहा है और फाई में भी, तो क्या लिख देंगे, x किसमें कर रहा है, फाई में, एम्प्टी सेट में. तो यहाँ से u इंटरसेक्शन फाई किसका सबसेट आ गया, फाई का. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट u इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, फाई के. प्रूव हो गया सेम एज इट इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट के. फिफ्थ है हमारा ए इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल सेट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए सेट ही आएगा, ठीक है ना. तो यहाँ से हम एक्स एक बार इसमें लेके चलेंगे, इसमें दिखा देंगे इसका सबसेट, इसमें लेके चलेंगे इसमें दिखा देंगे. लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यू, तो एक्स बिलोंग टू ए एंड x belong to u. अब हमें ये a में दिखाना है, तो x किस में, जो u सेट है उसमें तो ऑलरेडी ये सेट क्या है, कंटेन है. तो इसको क्या कह देंगे, x किस में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ से a इंटरसेक्शन u किसका सबसेट आ गया, a का, फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड में a में लेके चलेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x belong to a, ठीक है. अब हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए, तो x belong to a एंड जो ए सेट है वो किस में भी बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट में भी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यू चाहिए. तो यू बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू यू, क्योंकि अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो यूनिवर्सल सेट में तो जो ए सेट है वो सारे क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है. तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यू. तो यहाँ से ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, सो इट इज इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ गया, ए के. ये हमें प्रूव करना था. सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ए माइनस ए क्या होता है स्टूडेंट, फाइव एम्प्टी सेट. ये क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट. सेवन्थ में यू माइनस ए, यानी कि
यूनिवर्सल सेट में से हम किसी भी सेट को माइनस करते हैं तो क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे। फिर हमें चाहिए एट्थ पार्ट में, इनको भी इजिली प्रूव कर सकते हैं हम, फाइव माइनस में ए है, एम्प्टी सेट में भी कोई सेट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट। तो ये हो गए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसके एट्थ पार्ट थे कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, प्रूव दैट ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए। ए माइनस बी को हमें सबसेट प्रूव करना है, किसका, ए का, तो हम कोई भी एक्सिस में लेके चलेंगे और किस में दिखा देंगे, ए में। लेट एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स किस में बिलोंग नहीं कर रहा, बी में, लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से हमें किस में चाहिए, किसका सबसेट, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो यहाँ से ए माइनस बी किसका सबसेट आ गया स्टूडेंट, ए का। यही हमें क्या करना था, प्रूफ, क्योंकि एक्स बी में तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, सो ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन ए इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो यहाँ से एक बार ए यूनियन ए में एक्स लेके चलेंगे, ए में दिखा देंगे, फिर एक्स ए में लेके चलेंगे, ए यूनियन ए में दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, अब हमें ए में दिखाना है तो डायरेक्ट हम ए लिख सकते हैं, इसमें ए में ही बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए। इक्वेशन फर्स्ट, लेट वाई बिलोंग टू ए, मान लेते हैं इसमें कि y किस में बिलोंग कर रहा है, a में, तो अगर y a में बिलोंग कर रहा है, हमें क्या चाहिए, a यूनियन a चाहिए, तो इसको y बिलोंग टू a और y बिलोंग टू a, या x ही ले लो, यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको दो बार, क्यों लिखा है, a यूनियन a बनाने के लिए, x बिलोंग टू a यूनियन a, तो यहाँ से a किसका सबसेट आ गया, a यूनियन a का। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए यूनियन ए किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ए के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ, वेरी इजी है, दो बार लिख देंगे हम, दो बार चाहिए तो हमें यूनियन चाहिए, ए यूनियन ए। और थर्ड पार्ट, ए यूनियन फाई किसके इक्वल है, ए, तो एक बार ए यूनियन फाई में एक्स लेके चलेंगे, उसको ए में दिखा देंगे, फिर ए में लेके चलेंगे, उसको ए यूनियन फाई में दिखा देंगे। तो लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन फाई, एक्स बिलोंग टू ए और x belong to phi, ये तो empty set है, तो x किस में belong कर गया, a में, so a union phi is the subset of a, ये हमारी first equation। अब हम a में लेके चलेंगे, a union phi में दिखा देंगे, let x belong to a, हमें phi भी चाहिए ना, तो इसको लिख देंगे x belong to a, union है तो, और यहाँ पे x belong to phi लिख सकते हैं ना, ये तो empty set है, a union phi बनाने के लिए हमने सिंपली लिख दिया x belong to phi, फाई तो एम्प्टी सेट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स बिलोंग टू ए यूनियन फाई, सो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए यूनियन फाई किसके इक्वल आ गया, ए के। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, फोर्थ, ए यूनियन यू किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट, यू के, क्योंकि ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। प्रूव करते हैं इसको, एक्स इसमें लेके चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव ए यूनियन यू इज़ द सबसेट ऑफ यू एंड यू इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन यू। तो यहाँ से एक्स हम इसमें लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन यू, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग टू u, हमें ये u का सबसेट दिखाना है, तो u में तो a ऑलरेडी कंटेंट है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हमें u चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे, x बिलोंग टू u, और a इज द, जो a सबसेट है वो u का है, तो वो a तो ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, कंटेन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a यूनियन u इज द सबसेट ऑफ u, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसमें लेके चलेंगे यू में और इसको इसमें दिखा देंगे, लेट एक्स बिलोंग टू यू, लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू यू होगा और हमें ये चाहिए और एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, तो एक्स और है तो बीच में क्या लगा सकते हैं, ए यूनियन यू, यू इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन यू, दैट इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट
ए यूनियन यू किसके इक्वल आ गया, यू के, यही हमें क्या करना था, प्रूफ, ठीक है ना स्टूडेंट। यू में लेके चले थे हमें ए यूनियन यू बनाना है, तो एक्स ए में भी जाएगा और एक्स यू में भी, ठीक है। तो ए यूनियन यू और एक्स किस में चला गया, ए यूनियन यू में। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ये फाई के, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट में तो वो एलिमेंट आएंगे ना जो ए सेट में नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा उनका, फाई। अब एक बार इसको इसका सबसेट, इसको इसका, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स ए में बिलोंग कर गया एंड एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्स बिलोंग टू ए अगर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, तो एक्स किस में बिलोंग नहीं करेगा, गिवन सेट में। इसमें कह रहा है ये एक्स बिलोंग टू ए और इसमें कह रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, एक बार तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक बार नहीं कर रहा, तो एक्स में किस में बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी सेट में, एक्स बिलोंग टू एम्प्टी सेट। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज द सबसेट ऑफ फाई, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट किसका सबसेट होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से फाई किसका सबसेट हो गया, ए इंटरसेक्शन ए डैश का, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल आ गया, फाई के। वेरी इजी क्वेश्चन था ना स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए सबसेट है किसका, बी का, इफ एंड ओनली इफ, ये किसका साइन है स्टूडेंट, टू वे इम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के, यानी कि एक बार हमें ये लेके ये प्रूव करना है, फिर ये लेके ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, मान रहे हैं लेट ए सबसेट है किसका, बी का, वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी किसके इक्वल करना है, बी के। अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल हमें प्रूव करना है, तो पहले ये कैसे होगा प्रूव, एक बार इसको हम इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, बट ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो एक्स की जगह ए की जगह पे बी रख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू बी, हमें ये किसका सबसेट दिखाना है, बी का, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे एक्स किस में बिलोंग कर गया, बी में। सो ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बी में लेके चलेंगे और किस में दिखा देंगे, ए यूनियन बी में, लेट एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स बिलोंग किस में करेगा फिर, ये ए यूनियन बी में किस में करेगा स्टूडेंट, ये ए यूनियन बी में, एक्स हम किस में लेके चले हैं, बी में, बी सेट में। डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, बी किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख देंगे स्टूडेंट कि जो बी होगा ना वो किसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन बी इज द क्लियरली सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सो बी को लिख दिया ए यूनियन बी का सबसेट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट जो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल आ गया, बी के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है स्टूडेंट, क्या है ये हमारा फर्स्ट पार्ट, कि मैंने ये कंडीशन ली थी ए सबसेट है बी का और प्रूव क्या किया है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सेकेंड पार्ट इसमें हम ये लेके चलेंगे और ए सबसेट बी का दिखा देंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, वी हैव टू प्रूव ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सबसेट दिखाने के लिए हम एक्स इसमें ए में लेके चलेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी में भी, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, और वी नो दैट ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ये गिवन है हमें, बी के इक्वल है, एक्स ए में लेके चले थे बी में दिखा दिया, तो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सेकंड और ये हमारा थर्ड रिजल्ट, सॉरी ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ रिजल्ट, कंबाइनिंग थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट्स
दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए सबसेट है ना बी का, वो इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होगी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बी के। यही तो प्रूव करना था ना। दो तरह से करना है स्टूडेंट, देखो इसमें अब तक तो हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं। इसमें क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि ये कंडीशन है तो ये प्रूव होगी, ये कंडीशन है तो ये प्रूव होगी। तो इसके टू पार्ट्स बनेंगे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में ये कंडीशन लेके ये प्रूव कर देंगे, सेकंड में ये कंडीशन लेके ये कंडीशन प्रूव कर देंगे। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड का सेकंड, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा ए के। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन लेके चल रहे हैं स्टूडेंट हम फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, और सेकंड वाली कंडीशन हम प्रूव करेंगे। लेट ए सबसेट है किसका, बी का, वी हैव टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो लेट एक्स बिलोंग टू ए, क्योंकि वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा ए का ही, तो एक्स बिलोंग टू हम यहाँ पे ए लेके चलेंगे और किस में दिखा देंगे उसको, ए इंटरसेक्शन बी में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सबसेट है किसका, बी का, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए, लिख सकते हैं दो बार इसको, एक्स बिलोंग टू ए एंड ए किसका सबसेट है, बी का, तो ए की जगह पे बी रख देंगे। एंड क्यों लगाया है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन चाहिए, x belong to a intersection b, यानी कि a में लेके चले थे और a intersection b में दिखा दिया, so a is the subset of a intersection b, first part, since a intersection b भी किसका सबसेट होगा a का, from first and second we can say that a intersection b किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, a के। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, a सबसेट b का लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि a सब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। अब इसका सेकंड पार्ट ये लेके चलेंगे और ये हम ए सबसेट बी किसका प्रूव कर देंगे। सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स बनेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, वी हैव टू प्रूव ए सबसेट किसका होगा, बी का। तो लेट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम ये भी तो लिख देंगे ना, वो किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल था, a के, लेकिन हमें a किसका सबसेट बताना है, b का। तो यहाँ से हम ये x a में बिलोंग कर रहा है तो x किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b में, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि x a में बिलोंग कर रहा है तो a इंटरसेक्शन b में भी तो करेगा। अब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल था, a के इक्वल था, तो a की जगह पे हम a इंटरसेक्शन b भी रख सकते हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन क्या आ गई, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, तो हमें तो क्या चाहिए था, a b का सबसेट, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x बिलोंग टू b, a में लेके चले थे b में दिखा दिया, तो a इज द सबसेट ऑफ b। यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, ये कंडीशन लेके चले थे ये हमने प्रूव करनी, फिर x हमने a में मान लिया, तो a में है तो a किसके इक्वल है, यहाँ पे लिख देंगे a किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b। तो इसका क्या मतलब है, x a में भी बिलोंग कर रहा है, x b में भी, तो हमें b में चाहिए, तो x बिलोंग कर गया b में, सो a इज द सबसेट ऑफ b। नाउ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम, a इज द सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग में ये कंडीशन लेके चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, प्रूव क्या करना है, बी डैश जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट ए डैश का दिखाना है। तो लेट एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई भी सेट है, कोई भी एक्स है वो बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो वो किस में बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट, उसके बी सेट में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि x किस में बिलोंग करेगा, b में। अब a किसका सबसेट है, b का, तो यहाँ से b की जगह पे हम क्या रख देंगे, a, x does not belong to a, अगर a में बिलोंग नहीं कर रहा तो किस में करेगा वो, a कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ना, b कॉम्प्लीमेंट में लेके चले थे, a कॉम्प्लीमेंट में दिखा दिया, सो b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, यही प्रूव करना था हमें फर्स्ट पार्ट में। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, कि जो b कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, a कॉम्प्लीमेंट का, वी हैव टू प्रूव a इज द सबसेट ऑफ b, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव a इज द सबसेट ऑफ b,
तो कोई भी x हम किस में लेके चलेंगे, a में। तो x किस में बिलोंग नहीं करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो वो किस में नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट में। बट a जो b कॉम्प्लीमेंट है वो किसका सबसेट है, a कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये हमें लेके चले थे और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से x डज नॉट बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको, यहाँ से लिख देंगे x बिलोंग टू b। देखो a में लेके चले थे और b में दिखा दिया, सो a इज द सबसेट ऑफ b फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट वी कैन से दैट a इज द सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट, एक बार ये लेके हमने ये प्रूव कर दिया, ये लेके ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है ना फोर्थ, वो देखते हैं। a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b। तो यहाँ से हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, पहले a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, वी हैव टू प्रूव a किसके इक्वल प्रूव करना है, b के। तो लेट x बिलोंग टू a मान लिया मैंने, अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x किस में भी बिलोंग करेगा, a यूनियन b में भी। a यूनियन b में a के भी एलिमेंट होते हैं, b के भी। सो अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो वो x a यूनियन b में भी करेगा। बट a यूनियन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग कर रहा है a में एंड x बिलोंग कर रहा है b में। हमें तो a b के इक्वल प्रूव करना है, तो a को किसका सबसेट दिखा देंगे, b का। तो यहाँ से b में चाहिए, तो x किस में बिलोंग कर गया, b में। तो यहाँ से a यूनियन a में लेके चले थे और b में दिखा दिया, सो a इज द सबसेट ऑफ b फर्स्ट। सिमिलरली हम कह देंगे यहाँ पे b किसका सबसेट हो जाएगा, a का, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट a किसके इक्वल हो जाएगा, b के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो a इक्वल टू b है ये हम मान के चलेंगे। वी हैव टू प्रूव a यूनियन b किसके इक्वल दिखा देंगे, a इंटरसेक्शन b के। तो यहाँ से a यूनियन b है, a किसके इक्वल है स्टूडेंट, b के। तो b यूनियन b किसके इक्वल आ गया, b के। अब a इंटरसेक्शन b देखते हैं, इसमें भी a की जगह पे b पुट कर देंगे, यहाँ पे a इक्वल टू b रीजन में। तो यहाँ से b इंटरसेक्शन b भी क्या आएगा, b। तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ से हम ये फर्स्ट सेकेंड हो गई थी ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या कह देंगे यहाँ से कि a यूनियन b किसके इक्वल आ गया, a इंटरसेक्शन b के। ये लेके चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया था हमारा। इसको हम कह देते हैं स्टार और इसको कह देते हैं यहाँ पे a। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड a, इनको कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, ठीक है। देन ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इफ एंड ओनली इफ a किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, a के। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इफ एंड ओनली इफ a किसके इक्वल आ गया, b के। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ये कंडीशन थी, ये हमें प्रूव करनी थी, ये लेके चल पड़े, तो x इसमें मान के चल पड़े a में, तो a यूनियन b में भी होगा। अब a यूनियन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, हमें a b के इक्वल प्रूव करना है, तो b का सबसेट दिखाना है, सो x बिलोंग टू b, a इज द सबसेट ऑफ b। सिमिलरली हम कह सकते हैं b इज द सबसेट ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a किसके इक्वल आ गया, b के। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, उसमें हम a इक्वल टू b लेके चलेंगे। प्रूव क्या करेंगे, a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b लेके चले, a में a किसके इक्वल है, b के, पुट कर दिया, तो b यूनियन b किसके इक्वल आ गया, b के। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b, b पुट किया a की जगह पे, b इंटरसेक्शन b भी किसके इक्वल आ गया, b। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से कंबाइन करेंगे हम दोनों रिजल्ट्स को, तो क्या कह सकते हैं, a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसकी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक्स एवरीवन।